नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वार्ड नंबर 60 व 67 की जनता सीवर समस्या के चलते बेहद परेशान। काशीपुरा निवासी लापता युवक के परिजनों ने चौक थाना पहुंचकर लगाई गुहार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला हुई आयोजित। और महिला कल्याण विभाग की ओर से जनसुनवाई का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वार्ड नंबर 60 व 67 की जनता सीवर समस्या के चलते बेहद परेशान है। वाराणसी के वार्ड नंबर 60 व 67 के लोग सीवर के पानी गलियों में भरने व मकानों में भर जाने से काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह समस्या लगभग महीनों से चली आ रही है और क्षेत्रवासी भीषण गंदगी के चलते आए दिन बीमार हो रहे हैं। अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते क्षेत्रीय लोग मायूस हो गए हैं। लोगों ने कहा कि इस समस्या का हल नहीं निकल रहा है। वहीं काफी परेशान होकर आज जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो क्षेत्र में जेई जलकल प्रीति सिंह पहुंची व उन्होंने जल्द कार्य कराने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पार्षद शंकर साहू ने बताया कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर शीघ्र कार्य नहीं हुआ तो क्षेत्रीय जनता के साथ हम भी चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जलकल विभाग के अधिकारियों की होगी। इतना ज्यादा हम लोग परेशान हैं। आप लोग इसी रास्ते से जाते हैं? शंकर जी, इस क्षेत्रीय जनता समस्या से जूझ रहे हैं तो आप लोगों ने, इस क्षेत्र के अभी तक पार्षद भी नहीं है तो आप लोग कार्य देख रहे हैं तो क्या सहयोग कर रहे हैं इन लोगों का? यहाँ की समस्या से 15 दिन पहले हमारे पास दो महिला आई थी, एक वो लेटर लेकर कहीं ऐसी सी बात है, हम उनसे लेटर लिखवाएं, टाइप करा करके उनको महापौर जी के यहाँ भेज दिए कि तत्काल यहाँ का निवारण करा दिया, या 15 मीटर लाइन बदलना रहा। और उसके बाद वो लेटर आज तक विभाग में दौड़ा है। आज हमारे सवेरे हमारे पास 3-4 लोग गए, 7 बजे सुबह हम आके देखे तो हमारी स्थिति इतना गर्म हो गई कि कैसे यहाँ के लोग हैं। हमको बड़ी खुशी आ रही है कि यहाँ के GM जलकर महाप्रबंधक SCN JEE ये प्रधानमंत्री के एरिया है, साला बनारस एकदम नरक बनाए, जो वार्ड नंबर 4 का शहर के बीचों बीच इनको दिखाई नहीं दे रहा है, जनता दौड़ रही है ये क्या कर रहे हैं। तो आप भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास देखिए, हमारा वार्ड नंबर नहीं है यहाँ, समाज एक सपा के का समाजवादी पार्टी के सभासद है, इधर कांग्रेस के थे। क्या यही वर्सस की लड़ाई चल रही है? नहीं, वर्सस के नहीं है, हम तो देख के आज हम तो आए हैं मैदान में, हम दे सबको भेज दिए सूचना। और कितना सहयोग कर रही लोगों का? सहयोग पूरा अगर नहीं करेंगे तो इसको हम चक्का जाम करा देंगे, धरने बैठ जाएंगे, हम जनता के शिकायत नहीं सुनेंगे। हम 2 से 3 दिन का समय दिया है जो है सारे अधिकारियों को, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। JEE SCN ऊपर तक के लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं को लेकर चेतगढ़ चौराहे पे चक्का जाम करने का मैं काम करूंगा। बनारस स्वच्छता अभियान के नाम पर ये लोग लूट रहे हैं, जनता सरकार को क्या बदनाम भी किया जा रहा है? पूरा किया जा रहा है, अधिकारी एकदम यहाँ का बदनाम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। चंदा के भी किस तरह की समस्या से आप लोग परेशान हैं? ये गली में इतने सीवर गंदा पानी जो बह रहा है, इसी से हम लोग परेशान है। आने जाने में हम लोग के इतना दिक्कत हो रहा है, कैसो कैसो हम लोग ईटा पत्थर रख रख के उसी पर से आ जा रहे हैं। तो घरों में भी पानी लगा हुआ है क्या? हाँ, घर में बगल में घर है, उसमें भरा हुआ है पानी। तो इस समस्या का हल हुआ कुछ, आप लोगों ने किसी अधिकारी से बात किया? हमने गए वहाँ नगर निगम भी, एप्लीकेशन डाले हैं 25 तारीख को। अच्छा। तो उन्होंने बोले आपका मतलब देखा जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। आज JEE साहब आई थी, उन्हें बोला कि मेयर के यहाँ हमने एप्लीकेशन डाला,
नगर निगम में, तो बोले कि आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फ़ोन किए वहाँ, वो जो इसके पाइपलाइन के हैं उनके क्या फ़ोन किए, वो बोले कि ठीक है हम जेई साहब का नंबर आपको देंगे एक घंटे में, कल हुआ था बात, तो बोले एक घंटे में नंबर देंगे जेई साहब का, वो नंबर नहीं दिए हमको, आज भी फ़ोन किए मेरा फ़ोन नहीं उठाएं। फिर हमने दूसरे से बात किए तो उन्होंने बोला कि अगर आज आपके गली में कोई नहीं जाएगा अगर निरीक्षण करने, तो कल आके आप फिर एप्लीकेशन मेयर साहब को दीजिएगा। अब आप क्या चाहते हैं? तो आज आई थी जेई साहब, आई थी प्रीति मैडम, उन्होंने बोला कि जैसे इतना दिन समस्या का आपका हुआ हुआ ऐसे दो दिन और रखिए, परसों आपका हाथ लग जाएगा। किदा जी, किस तरह की समस्या है आपके गली में? ये विगत चार महीने से ये चल रहा है, ये गली में जो है सीवर लाइन जो है, ये सीवर का जो है समस्या विगत चार महीनों से चल रहा है। हमने जो है जितने भी अधिकारी थे जेई एचएन सबको हमने जो है व्हाट्सएप कर चुका है, अभी तक जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सिर्फ आज कल खाली जो है लोग कर रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन मिल रहा है। तो घरों में भी पानी सीवर का है? हाँ, हमारे घर में पूरा सीवर का पानी भरा हुआ है। तो यहाँ कोई अधिकारी वगैरह को आपने सूचना दिया, आए थे क्या? आज आई थी जो है जेई मैडम। अच्छा, इसके पहले हमने जो है अधिकारियों को सूचना दिए, तो अधिकारी ने बोला कि जो है जेई का जो है शादी पड़ा है, वो छुट्टी भी चल रही है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? जेई मैडम आई थी जो है, जेई मैडम ने बोला कि ठीक है आप लोग दो दिन जो है देखिए, दो दिन बाद हम इधर हाथ लगवा कर पाइपलाइन चेंज करवा देंगे। पूरा घर भरा हुआ है आपका? जी जी। क्या है समस्या? पूरा घर हमारा भरा हुआ है सीवर लाइन से, सीवर के पानी से निकलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। गली वगैरह भी? गली भी देख रहे हैं, भी गली देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक जो है पूरी इधर से उधर पूरा गली पैक है एकदम। काशीपुरा निवासी लापता युवक के परिजनों ने चौक थाना पहुंचकर गुहार लगाई। चौक थाना अंतर्गत काशीपुरा निवासी 33 वर्षीय राहुल कुमार नामक युवक घर से लापता हो गया है, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राहुल सोने के कारीगरी का कार्य करता है। चौक थाने में परिवार द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। अब परिवार के लोग प्रशासन का सहयोग चाहते हैं, जिससे परिवार वालों से राहुल मिल सके। पुलिस विभाग से लोगों ने आज भी थाना चौक परिसर पहुंचकर कार्रवाई की उम्मीद जताई। क्या मामला है? हमारा लड़का दो दिन हो गया निकला है। पापा नहीं है तो बस राजा घर। तो पुलिस को सूचना दे दी है? पुलिस को सूचना दे दी। क्या करते हैं वो? नारी करते हैं। तो क्या लगता है किसी से दुश्मनी वगैरह भी है क्या? घर आने तो कुछ पता लगे, इसे कुछ नहीं पता लगता। रोहित जी आज क्यों आए थाने में? मेरा भाई दो दिन से लापता है, इसी सिलसिले में आए, दो दिन से चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, कार्रवाई हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं दिखा रहे। क्या चाहते हैं आप? बस मेरा भाई घर आ जाए और क्या। क्या करते हैं आप? कारीगरी करते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी वही करते हैं। तो क्या संदेह है आपको, क्या मामला लगता है? अब वो उनके आने भी पता चलेगा क्या मामला है। तो पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? बस जल्दी से जल्दी कार्रवाई पूरा करें, भाई को घर ला दें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में चित्रकला कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में राज्य ललित कला एकेडमी की ओर से ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन बसंत महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर सतेंद्र बाबनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर ललित कला विभाग प्रभारी डॉ. सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 20 दिनों की इस कार्यशाला में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे और 18 से 25 वर्ष तक की आयु के युवाओं को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं और कुशल प्रशिक्षक उनके आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। ये राज्य ललित कला एकेडमी प्रतिवर्ष एक वर्कशॉप कराती है, लगभग अन्य अन्य संस्थानों में सभी जगह देख करके एक प्रयोग है। ये 20 दिनों का कार्यशाला होता है, पहले एक महीने का हुआ करता था। इसमें 10 से 17 वर्ष के आयु और 18 से 25 वर्ष तक के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इनको एक सर्टिफिकेट भी राज्य ललित कला एकेडमी प्रस्तुत करती है और ये बच्चे अपनी छुपी हुई प्रतिभा को इस ग्रीष्मकालीन वर्क अवकाश के समय ये वर्कशॉप के माध्यम से उभारते हैं और जो प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक होते हैं
उनकी प्रतिभाओं को पहचान करके उनको ललित कला के इस प्रतिभा से जोड़ते हैं और उनको इस विषय को आगे इनका करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आज उद्घाटन का दिन था तो प्रोफेसर सत्येंद्र बावनी सर जो बसंत महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अपने आशीर्वचन से बच्चों को प्रोत्साहित किया और एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया जिससे बच्चे ललित कलाओं में अपने आप को कुछ खोज पाए। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के कैंपस प्लेसमेंट सेल की ओर से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। छात्र कल्याण संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर विजेंद्र पांडे ने बताया कि आगामी 4 और 5 जून को मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई कंपनियां आएंगी जो विद्यार्थियों को जॉब हेतु चयनित करेंगी। 3 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को साक्षात्कार इत्यादि के विषय में वृहद रूप से जानकारी प्रदान की जा रही है जिससे मेगा जॉब फेस्ट में वो भाग ले सके और चयनित हो सके। आज विद्यापीठ में लग रही है जिस तरीके से बच्चों को समझाया जा रहा है बहुत ही कुछ नया कुछ करने है। क्या विषय है? नहीं, ये ऐसा वैसे कुछ नया नहीं है। दरअसल इसकी योजना इसलिए बनी क्योंकि 4 और 5 तारीख को यहाँ पे एक जॉब फेस्टिवल जॉब मेगा फेयर होने वाला है जिसमें बहुत सारी कंपनीज आने वाली है। तो ये विचार बना कि हमारे कैंपस के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, उसकी उसको बढ़ाने के लिए इनके अंदर में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे इंटरव्यू को फेस किया जाए, कैसे चीज़ें बनाई जाए, उसके ऊपर ये पूरी 3 दिन की वर्कशॉप करी है जिसमें डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट तरीके की चीज़ों को सीखें। तो जूनियर बच्चों के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को लेकर? दरअसल हम लोग जब विद्यापीठ में पढ़ते हैं तो हम लोगों को अपने सब्जेक्ट का तो ज्ञान हो जाता है लेकिन कैसे एक इंटरव्यू को फेस करना है या इंटरव्यू के समय में हमें कैसे ड्रेसअप होके आना है इस सब की जानकारी हमको नहीं होती या हम देते भी नहीं। तो इस तरीके की जानकारी को देने के लिए ये वर्कशॉप्स हैं और इनसे निश्चित तौर पे फायदा भी होगा और इनसे जो सिलेक्शन रेट है वो भी बढ़ेगा। यूपी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा छात्र संघ भवन में हवन पूजन कराया गया। उदय प्रताप कॉलेज छात्र संघ के नए पदाधिकारियों के द्वारा छात्र संघ भवन में विधि विधान से पूजन किया गया। लगातार कई सालों से बंद रहे छात्र संघ भवन की मरम्मत कराने के बाद हवन पूजन कराया गया। इसमें प्रमुख रूप से समीर सिंह विशाल, सुधीर सिंह छात्र संघ अध्यक्ष, प्रतीक उपाध्याय उपाध्यक्ष, शिवम सिंह महामंत्री, अभिषेक सिंह इत्यादि छात्र उपस्थित रहे। आज कैसा आप लोग पूजा पाठ कराए हैं? लगभग 2 सालों से छात्र संघ भवन बंद था और इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग सभी छात्र संघ पदाधिकारियों में मिलकर इसका डेंट पेंट करवाया और उसके बाद हम लोगों ने छात्र संघ खोलने से पहले उसके पहले ही हम लोगों ने एक हवन पूजा के प्रबंध करवाया। तो आज महामंत्री जी आप लोग ने क्या कराया? ये हवन कराया गया क्योंकि 2 सालों से लगातार छात्र संघ भवन बंद है, जो कि छात्रों की शिकायत सुनने के लिए छात्र संघ भवन पे छात्र पदाधिकारी जो थे वो नहीं आते थे। 2 सालों से छात्र संघ भवन बंद था, उन्होंने मरम्मत कराया, छात्र संघ भवन का पेंटिंग कराया और हवन पूजा कराया और आके यहाँ पे छात्र संघ भवन हमेशा खुला गया है, इसलिए कि जो भी छात्र हैं अपना आके शिकायत है जो भी है अपना आके बताएं, उनकी शिकायत सुनी जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली विद साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम्स। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 11th। मोस्ट एडवांस्ड फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब, State of the art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well stocked library,
indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Ari Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान ताकि आप बने स्वनिर्भर, देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA-LLB और BVOC की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम शीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। आई एम अ ग्रेट मदर। आई एम लिविंग अ लाइफ विद पर्पस। Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Anpurwa and Jagatganj, Varanasi. अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विथ एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भींगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी के समापन पर आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में चल रहे ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी के समापन अवसर पर आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि दो वर्षों के बाद इस मेले का आयोजन किया गया था। 31 दिनों तक चले इस मेले में लोगों ने खूब मौज मस्ती की, जनता का काफी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। इस मौके पर रविन्द्र त्रिवेदी, विशाल सेठ इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे। 1 मई से 31 मई तक 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद लॉकडाउन में जब पूरा शहर, पूरा प्रदेश और देश किसी तरह के मनोरंजन से वंचित था, उसके बाद इस बनारस शहर में अर्बन हाट चौकाघाट में ड्रीमलैंड मेला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भव्यतम आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में काशी की जनता ने पूरे पीरियड यानी 31 दिनों तक पिकनिक स्पॉट के रूप में मौज मस्ती और पूरे परिवार के साथ जमकर इसका आनंद उठाया। देसी विदेशी झूले का आनंद हो या दिल्ली के मनमोहक व्यंजन रेस्टोरेंट यहाँ लगाए गए, पहली बार यहाँ टोड़ा टोड़ा झूला जमीन से आसमान तक की ऊंचाई तय करने वाला काफ़ी तहलका मचा रखा था। इसके अलावा जनता की सुविधा के लिए सभी प्रकार के घरेलू उपकरण, राजस्थान के मसूर अचार, कानपुर की चप्पलें और घरेलू किचन के सामान काफ़ी मात्रा में यहाँ लगाए गए। जनता की सेवा में पॉपकॉर्न और आइसक्रीम के भी स्टॉल लगे, बम्बई की मशहूर भेलपुरी के स्टॉल भी लगाए गए। बच्चों के मनोरंजन के लिए जापानी चिल्ड्रन पार्क यहाँ जमकर धमाल मचाया। छोटे बच्चों ने जीप, कार, मुंसी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी की नौका पर, और इन सबका कवरेज हमारे सम्मान हमारी है अपने डेन काशी के प्रबंध निदेशक श्री धर्मेंद्र सिंह धीरू जी का, डेन काशी परिवार का, के टीवी चैनल के पत्रकार अनु श्रीवास्तव का, पूरे के पूरे जो हमारे आयोजन थे उनके अच्छी तरह से कैमरे में कैद कर पूरी जनता जनार्दन के रंगीन झूले जूते सतरंगी उन सबका रूबरू होकर उन्हें पूरे काशी की जनता को दिखाने का काम पूरे पीरियड में किया। हम आभारी हैं, धन्यवाद अपनी आयोजन समिति भारत हिंदू अकादमी की ओर से देते हैं डेन काशी और के टीवी परिवार को और काशी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, हस्तशिल्पी जो देश के कोने कोने से आए थे, दुकानदार, हस्तशिल्पी के अलावा जो साथ में झूले वाले देश के कोने कोने से आए थे उन सबका, और साथ में जितने भी हमारे सहयोगी रहे साथी, चाहे अभिषेक दुबे हो और साथ में विशाल सेठ, सभी साथी जो हमारे रहे हैं जिन्होंने सहयोग किया, सोनू सिंह, सभी साथियों का हृदय से हम आभारी हैं। और यहाँ के प्रबंधक श्री आरडी अग्रवाल का और पांडे जी हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं अर्बन हाट के, उन सबका काफ़ी सहयोग रहा, सबके प्रति हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं।
नागरिक सुरक्षा चेतगंज में फायर स्टेशन के भ्रमण व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा चेतगंज में प्रारंभिक अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण एवं चेतगंज फायर स्टेशन का भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण को सहायक उप नियंत्रक इरफानुल द्वारा प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा नीरज मिश्रा द्वारा नागरिक सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। चेतगंज फायर स्टेशन का भ्रमण विवेक कुमार द्वारा कराया गया। इस कार्यक्रम में चेतगंज के डिवीजनल वार्डन मंगला प्रसाद गुप्ता द्वारा ट्रेनिंग का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण में राजेश कुमार यादव, आईसीयू पोस्ट वार्डन फारूक एवं बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। आज सिविल डिफेंस में किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, क्या हुआ है? आज ग्रीष्मकालीन शिविर में सिविल डिफेंस पिछले 3 माह से लगातार हमारे विभिन्न पोस्ट स्तर पर, डिवीजन स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग है रिगार्डिंग एलिमेंट्री फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड संबंधी और आपातकालीन बचाव संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो स्थानीय जनता के लोग हैं सिविल डिफेंस से जुड़ रहे हैं और उनको अच्छे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम लोग तैयार करना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है और फायर स्टेशन का भ्रमण कराकर यहाँ पर जो भी उपकरण हैं उनको दिखाकर और उनके संचालन की पद्धति फायर स्टेशन के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बतलाई जाती है। तो ये प्रशिक्षण निरंतर हर माह आयोजित किए जा रहे हैं। सर, सिविल डिफेंस जो होते हैं उनके लिए सबसे मेन मुद्दा अहम क्या होता है जनता के प्रति? देखिए, जो स्थानीय नागरिक हैं यदि वो जागरूक रहते हैं, मान लीजिए कि रोड पर कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, या मान लीजिए कि किसी शहर में अचानक भूकंप आ जाता है या कहीं एक बड़ी अग्निकांड हो जाता है, तो बड़ा अग्निकांड जो होता है उसको तो रोक पाना संभव नहीं, लेकिन अगर छोटा अग्निकांड है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पर जागरूक हैं, प्रशिक्षित हैं, मौके पर उन्होंने अग्नि को नियंत्रित कर लिया, तो वो बड़ी आग का रूप नहीं धारण कर पाती। इसलिए निसंदेह सिविल डिफेंस की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और हवाई हमले से होने वाली आपदा को न्यून करने के साथ साथ जो भी प्राकृतिक आपदा है उसमें भी सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की भूमिका बहुत ही अहम है। सर, सर सिविल डिफेंस में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग वाराणसी के लोकल लोग भी जुड़ रहे हैं, तो सर जुड़ तो रहे हैं तो क्या कार्य जिस तरीके से करना चाहिए क्या कार्य भी वैसा होता है? देखिए, जो सिविल डिफेंस का उद्देश्य है वो यही है कि स्थानीय जनता को जोड़ा जाए और स्थानीय जनता अन्य लोगों को, अन्य स्कूल के भी छात्र छात्रा उसमें NCC NSS के जो भी स्वयंसेवक है उनको भी सिविल डिफेंस में टेंट करके उनको एनरोलमेंट कराने में सहयोग प्रदान करें। तो निसंदेह जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिविल डिफेंस में ट्रेंड रहेंगे उसका प्रत्यक्ष लाभ समाज और प्रदेश और देश को मिलेगा। ईश्वर गंगी पोखरे के संरक्षण के संदर्भ में नगर निगम पर ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम मुख्यालय पर अखिल भारतीय मधवेशीय वैश्य सभा जिला वाराणसी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संयुक्त रूप से समाज के लोगों ने कहा कि पौराणिक ईश्वर गंगी पोखरा का विशेष धार्मिक महत्व है तथा तालाब भूगर्भ जल की स्थिति सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसके कारण काशी में कभी जल का संकट नहीं होगा क्योंकि तालाबों में संचित जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। परन्तु आदि गंगा कहे जाने वाली ईश्वर गंगी पोखरे का अस्तित्व खतरे में है और ईश्वर गंगी तालाब की इस समय हालत बहुत खराब है क्योंकि इस पोखरे की सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। पोखरे को साफ सफाई करना अति आवश्यक है क्योंकि बरसात के पहले ईश्वर गंगी पोखरे की सफाई हो जाए तो इस पोखरे का अस्तित्व बना रहेगा। नई ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से विजय जायसवाल, सुमित कुमार मधवेशी, रुद्र पांडे, सचिन जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे, उसमें अखिल भारतीय मधेशिया वैश्य सभा एवं जन क्रांति समाज अकेडमी के तत्वाधान में यह ज्ञापन हुआ है। उसमें यह था कि स्वंगी तालाब जो काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति, मतलब कि समझ लीजिए कि वहाँ की जितनी भी मलबाएँ हैं उसी पोखरे में है, पानी निकला परंतु पानी निकलने के बाद वो अभी तक मलबा उसमें नहीं निकला, काम अभी रुका हुआ है। उसी काम को पूर्ण रूप से कराने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हम लोगों ने निवेदन किया है कि उसको जल्द से जल्द बरसात के पहले वो कराएं, क्योंकि यहाँ पे काशी में तालाब का जो होता है भूगर्भ भाग जो होता है उसी पानी से ही बहुत ही सारी समस्याएं दूर होती हैं और इस कार्य को अगर जल्द से जल्द नहीं कराएंगे तो उस पर आगे के भी कार्य किया जाएगा। अधिकारी ने क्या बोला, क्या आश्वासन ये दिए हैं कि उसको 15 दिन बरसात से पहले, अभी बरसात आने में 15 दिन है, उससे पहले यह कार्य पूर्ण रूप से करा दिया जाएगा। कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ? पेंडिंग देखिए, कार्य हो रहा था,
कार्य हो रहा था, लेकिन परंतु क्या नाम है, पानी निकला, पानी निकलने के बाद वो मलबा निकलना चाहिए पूर्ण रूप से, जैसे कि लगातार काम होना चाहिए क्योंकि बरसात आने वाला है, लेकिन ये अभी पेंडिंग में भी रुका हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द ये कार्य हो, जिससे कि पानी बरसात फिर आएगा, फिर पानी भर जाएगा, फिर वो पानी निकलेगा, फिर मलबा निकलेगा, उसका दोहरा इन्वेस्टमेंट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और यहाँ से अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे भी हम लोग जाएंगे। विजय जी, किस तरह का आज ज्ञापन दिए हैं, क्या समस्याओं को लेकर? समस्या हमारे ईश्वरगंगी मोहल्ले की जो पोखरा है, आदि गंगा नाम से जानी जाती है, ये पोखरा बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे बहुत ही तरह का सदरकम का कार्यक्रम होता है, दसवां का कार्यक्रम, मतलब इस पोखरे का इस समय दुर्दशा चल रहा है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है। हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, हमारे मोदी जी कहते हैं कि कम पैसे में अच्छा काम हो, तो ये काम जो पोखरे का हो रहा है, यहाँ पैसा लगाया जाता है फिर उसका दुरुपयोग किया जाता है। एक बार पानी निकाला जाता है और पानी निकाल के मलबा छोड़ दिया जाता है, ताकि दोबारा उसमें पानी भरा है, मलबा जस का तस रहा है और ठेकेदारों को इसको फायदा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे नगर आयुक्त जी से मिलने आए थे ज्ञापन देने के लिए, माननीय नगर आयुक्त जी नहीं थे, उनकी जगह अपन नगर आयुक्त थे, उनको हम लोग ज्ञापन दिया गया है, और वहाँ पर हम लोग को आश्वासन मिला है कि जो हम लोग चाहते हैं पोखरा का सुंदरीकरण हो, वहाँ का मलबा निकले, ताकि वहाँ के अगल बगल जो मछली हैं, मछली की बेचारे गंदगी से वहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो ये सब अगर सफाई हो जाएगा तो वहाँ जल का संरक्षण बना रहेगा और मछली जो उसमें है अंततः अच्छे से रह पाएंगे, और हमारे अगल बगल और जो पूरे मोहल्ले का मतलब कि पानी के ऊपर अच्छा कार्य हो पाएगा। असम नगर निगम में परिचय समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किस तरीके ज्ञापन सौंपा गया है, किस तरीके से कार्य होगा आप लोग के द्वारा? जो ये ज्ञापन सौंपा गया है, ये ईश्वरगंगी तालाब जो एक बहुत ही धार्मिक तालाब है वाराणसी नगरी का, उसकी साफ़ सफाई के लिए इन लोगों के द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें नगर निगम वाराणसी द्वारा इस तालाब में सफाई का कार्य किया जा रहा है, करीब 65-70% इसकी सफाई कार्य हो गया है और आगे कार्य चल रहा है। जी सर, सर ज्ञापन सौंपने के बाद जनता जो आई थी उनको किस तरीके से समझा के आप लोग भेजा है? उनसे ये कहा गया है कि ये जल्दी इसको हम लोग करा लेंगे, आगामी 10 से 15 दिनों के बीच में इसको करा लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग और भी जो नगर के तालाब हैं और उसको भी हम लोग अमृत सरोवर में ले करके उसकी सुंदरता और उसको सफाई का काम हम लोग करा रहे हैं। महिला कल्याण विभाग की ओर से जन सुनवाई का आयोजन। महिला कल्याण विभाग ने जन सुनवाई की और महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया गया। सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा को लेकर महिलाएं जन सुनवाई में अपना आवेदन लेकर पहुंची। जन सुनवाई में लगभग 14 महिलाएं शामिल हुई और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। महिला आयोग की सदस्य रामसखी कठेरिया ने कहा कि हर विभाग के अधिकारी आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जन सुनवाई में पुराने मामले नहीं आए हैं, जो भी मामले आए हैं सभी नए हैं। आज जन सुनवाई में मेरे पास 14 केस आए हुए हैं उत्पीड़न के, और उन केसों में हर विभाग के अधिकारी आए और उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि अब की जन सुनवाई हो तो जिनमें से केस दोबारा नहीं आना चाहिए, उनके समाधान उनके होने चाहिए। महिलाओं के जो महिलाएं अपनी समस्या लेके आई हैं, अच्छी संख्या में हमारी महिला अधिकारी बैठी हुई हैं, अधिकारी बैठे हैं, कोशिश पूरी यह है कि उनका समाधान करा दिया जाएगा। आज अब तक कितने मामले आए? 14 मामले आए। कितने का समाधान होगा? समाधान पूरे का होगा। आपको अब की बार जब आप आएंगे, हो सकता है मैं ना आऊँ, दूसरी मैडम आवे, अर्चना मैडम आ रही है। कुछ लंबित मामले भी आए थे आपके पास? कोई लंबित मामले नहीं आए, मामले नए आए हमारे पास, कोई पेंडिंग वाले मामले हमारे पास नहीं आए, नए मामले आए। और नए मामलों का मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, उनका समाधान पूरा हुआ। मैदागिन स्थित प्रजापति धर्मशाला में महात्मा संतराम बीए की पुण्यतिथि मनाई गई। मैदागिन स्थित प्रजापति धर्मशाला में मंगलवार को महात्मा संतराम बीए की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा संतराम बीए हिंदी साहित्य और पत्रकारिता सहित समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहे। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने महात्मा संतराम बीए के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर रामनयन प्रजापति, गुलाब प्रजापति, जगदीश प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वार्ड नंबर 60 व 67 की जनता सीवर समस्या के चलते बेहद परेशान।
काशीपुरा निवासी लापता युवक के परिजनों ने चौक थाना पहुंचकर लगाई गुहार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला हुई आयोजित। और महिला कल्याण विभाग की ओर से जनसुनवाई का हुआ आयोजन। आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।